ओम गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष का क्या नाम है? व्रत करने की विधि क्या है और इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करेगा वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करेगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्र पक्ष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और व्रत करने की क्या विधि और इसका महत्व में कृपा कर कर कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है और यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आप इस कथा को सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करता था और उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया और साथ ही अपने स्त्री पुत्र को स्वयं को भी उन्होंने बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष ही बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहाँ आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी ही दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी, तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उसके कथना अनुसार ही एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त ही पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया और अंत में वह अपने परिवार के सहित स्वर्ग को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय।